हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉप की कटिंग करना सीखेंगे। बोट नेक है ये, इसको यहाँ से 6.5 इंची रखिए। ये वाला 13.5 पौने 14 पे रखेंगे, ये वाला 20.5 रखेंगे, ठीक है। ये पूरा हम स्ट्रेट कर लिए, उसके बाद फिर ये हम इसको हम रखेंगे 30 है, तो इसको हम 30 रखने के बाद थोड़ा यहाँ पे लूजिंग डालेंगे। ये थोड़ा लूजिंग पहनने वाले हैं, तो इनको हम 1 इंची डालेंगे, ठीक है। बोले तो 4 इंची, मतलब 1 इंची डाले तो 4 इंची हो जाता है। अब ये कमर है 25 है, तो हम एक बार इसको 26 रखेंगे और 0.25 यहाँ पे लूज डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हिप रख देंगे हम 35, और यही 9 इंची यहाँ पे रख देंगे स्लीव के पास, 9.5 इंची, ठीक है। अब शोल्डर ये 15 इंची, 15 है तो 15 ही रखेंगे, 7.5 रखे तो डबल करें तो 15 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये निशान हम सीधा कर लेंगे। भाई इतना पतली है, रुक के नॉर्मल हमारा है 14 इंची, ठीक है। ये टॉप है 14 इंची रखी, उसके बाद फिर इसके यहाँ पे वीडियो, अब हम कटिंग कर रहे हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा चैनल का नाम है अफरोज टेलर, फेसबुक में भी अफरोज टेलर, इंस्टाग्राम में भी अफरोज टेलर। ये बोट नेक में कभी भी 1/2 इंची इसको बड़ा ही रखो, ठीक है। क्यों बोले तो उससे क्या होता है, आपका शोल्डर अच्छा बैठता। ये तो आप कंपलसरी ये चीज़ को आप एक बार गौर करो, ठीक है। ये बोट नेक है, नॉर्मल हाई नेक जैसा है, ठीक है, रेडीमेड में जो आता है। उसके फिर हम कटिंग करेंगे, कंपलसरी ये बड़ा रखो। आज आप देख लीजिए अच्छा से, कभी भी यहाँ से ये बैग का डॉट्स डाल देना है। ये कभी भी बैग में ही डॉट आता, ये मिनिमम 8 इंची से 9 इंची तक रहता, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ से 4 इंची रखना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस तरह से हाला झाड़ देना है, क्योंकि ये बोट नेक जैसा है, बैग हाई नेक है, ठीक है। इसको कंप्लीट हो गया।